एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7 का। तो इसमें क्या दे रखा है, फ्रैक्शन तो पढ़ लिए थे, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं कि फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप, फर्स्ट में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है हम डिफिनेशन के माध्यम से पहले समझते हैं। तो इसका हो जाएगा इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द The numerator is always less than denominator. क्या हो गया इसका डिफिनेशन, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डेनोमिनेटर, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है हमेशा न्यूमरेटर जो है छोटा होता है डेनोमिनेटर से। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ले लीजिए 2 by 3। तो 2 क्या है इसका, न्यूमरेटर है, और 3 क्या है, डिनोमिनेटर है। इसी को हिंदी में अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में हर भी कहते हैं। जैसे फिन इक्वल टू अंश बाय हर, या इंग्लिश में हो जाएगा फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। इसका इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो देख लें कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, एक तो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, कौन किससे बड़ा होता है कौन छोटा होता है ये तो समझ लीजिए। अब इसका दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इससे पहले क्या देखे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, अब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा द फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डेनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि
प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था कि अंश जो है बड़ा हो छोटा होता था हर से, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा 5/2। ये किसका एग्जांपल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का? तो इसमें क्या दिखा रहा है कि न्यूमरेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 12/7। ये सभी हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर में भी प्रॉपर में भी, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? फ्रैक्शन का बात हो रहा है। तो देख लें कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या अंतर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था? प्रॉपर फ्रैक्शन में होता था न्यूमरेटर छोटा होता था और डिनोमिनेटर बड़ा होता था। तो नेक्स्ट जो है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। तो अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल द ब्यूटीफुल माइंड को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। ओके, बाय।